हेलो स्टूडेंट, आज जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। उस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और ये चैप्टर नंबर 4 है एनसीईआरटी बुक का। आज ये चैप्टर स्टार्ट होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर 4 है एनसीईआरटी बुक का। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, इसके एक दो तीन पार्ट हो सकते हैं, छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा कि आराम से आप देख और समझ सके। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आपको और भी वीडियो चैप्टर वाइज मिलता जाएगा क्लास 10 का एनसीईआरटी का। तो और दोस्तों को बता दीजिए कि ये चैनल वो देखें और समझें ताकि उन तक नॉलेज पहुंचता रहे। तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। मैं ये बताना चाहता हूं कि क्लास 9 में आपने एक टॉपिक पढ़ा था पॉलिनोमियल, उसमें आपने क्या पढ़ा था, एक पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, आपने पॉलिनोमियल के बारे में आपने पढ़ा था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था, जो इस फॉर्म में हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसको आपने क्या बोला था कि क्वाड्रेटिक ये एक पॉलिनोमियल है जो क्लास 9 में था। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब आप समझ गए थे कि इस फॉर्म में हो तो और ए इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए तो कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो वहां आपने पढ़ा था पॉलिनोमियल, लेकिन हम यहां पर क्या पढ़ रहे हैं, इक्वेशन। तो सबको पता होगा कि इक्वेशन मतलब जहां इक्वल टू का साइन हो, जिस पॉलिनोमियल में इक्वल टू का साइन लग जाए तो वो क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम लिखना चाहें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड, यहां ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ए अगर जीरो हो जाएगा तो इस पूरे टर्म को यह जीरो कर देगा। तो स्क्वायर वाला टर्म ही जब जीरो हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं रहेगा, इसीलिए स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है। ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो हम कुछ चीज से समझेंगे, जैसे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आप इसको, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके कॉपी में नोट्स बनाते जाएं, लिख ले कॉपी में, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो वीडियो को रिपीट करके देख ले, आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो जैसे कुछ एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे अगर मैं लिख दूं 2x² - 3x + 1 = 0, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि ए के प्लेस पे 2 है एक्स स्क्वायर है, बी के प्लेस पे -3 है और सी के प्लेस पे 1 है, तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, 2x² + x - 300, ये भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 4x - 3x² + 2। अब आप देख रहे होंगे एक्स स्क्वायर वाला टर्म बीच में आ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन अगर बोल दे कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दीजिए तो आप चाहे तो इसको तरीके से सजा के लिख सकते हैं +2, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। ठीक है, तो चलिए हम कुछ और चीज देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको समझिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब वेरिएबल का पावर 2 होना चाहिए, मतलब डिग्री क्या होना चाहिए, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 हो जाए, उसमें इक्वल 2 लग जाए, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। तो थोड़ा सा और हम देखते हैं इसके बारे में कि जैसे अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से एक नंबर का पूछ सकता है या इंट्रोडक्शन में सीखना है तो ऐसे सीख सकते हैं, जिसे मैं आपको पहचानने के लिए दूंगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं। तो स्टूडेंट इसको देखिए कि ये एनसीईआरटी पेज नंबर 71 का एग्जाम्पल नंबर 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। मैक्सिमम स्टूडेंट मुझे फोन करके बताते रहते हैं कि सर सो वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा क्लियर कीजिए, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में बहुत बच्चे फंस जाते हैं। तो मैं समझना सिखाऊंगा कि वर्ड प्रॉब्लम में जैसे बोला जाता है वैसे आप करते जाइए, अपने आप सॉल्यूशन आ जाएगा। जैसे कि पहले समझिए इस क्वेश्चन को, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच।
मतलब जॉन और जीवंती दोनों को मिला के कितने मार्वल है, 45 मार्वल है। तो हम कैसे बनाएंगे कि लेट लेट नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव इज इक्वल टू एक्स। तो अगर जॉन और जीवंती को दोनों को मिला के 45 मार्बल है और जॉन के पास अगर एक्स मार्बल है तो जीवंती के पास कितना मार्बल बच जाएगा, 45 माइनस एक्स बच जाएगा, है ना। जैसे कि जॉन के पास टोटल एक्स मार्बल है तो जो बच जाएगा वो जीवंती के पास है। सो नंबर ऑफ मार्बल मार्बल्स जीवंती हैव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 माइनस एक्स, है ना। दो बात बन गया कि हमने मान लिया कि जॉन के पास एक्स है और नंबर ऑफ मार्बल जीवंती के पास क्या है, 45 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि दोनों को मिला के 45 है, तो एक के पास एक्स तो दूसरे के पास 45 माइनस एक्स। अब क्या बोला जा रहा है आगे देखिए क्वेश्चन को, बोथ ऑफ देम हैव लॉस्ट 5 मार्बल ईच। दोनों ने क्या किया, पांच पांच मार्बल को खो दिया, तो उसका जो प्रोडक्ट हो जाएगा जो बचा हुआ उसका 124, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई उसका 124 हो जाएगा, ठीक है। तो पूछ रहा है कि हाउ वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट विथ। तो कितना मार्बल जॉन के पास था स्टार्ट में, तो यहां थोड़ा जगह कम है तो मैं इसको इरेज करके बनाता हूं कि देखिए आप चाहे तो अपना एनसीईआरटी बुक खोल लीजिए, एनसीईआरटी बुक में आपको ये एग्जाम्पल लिखा हुआ दिख जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या बना लिया है कि लेट द नंबर ऑफ मार्बल जॉन हैव एक्स एंड नंबर ऑफ मार्बल जीवंती हैव 45 माइनस एक्स। अब क्या है कि दोनों ने पांच पांच मार्बल खो दिया है, तो हम अब क्या होगा कि जब मार्बल खो जाएगा तब नाउ नंबर ऑफ मार्बल जॉन हैव, अब जॉन के पास कितना मार्बल है, पांच कम हो गया, पांच खो गया। सिमिलरली नंबर ऑफ मार्बल जीवंती हैव कितना है, लेफ्ट जीवंती हैव लिख सकते हैं या लेफ्ट विथ लिख देते हैं, बच गया लेफ्ट विथ एक्स माइनस फाइव क्योंकि पांच कम हो गया। नंबर ऑफ मार्बल जीवंती लेफ्ट विथ उसके पास कितना बच गया, तो पहले उसके पास था 45 माइनस एक्स, उसमें से पांच और कम हो गया तो 45 में से 5 चला गया तो बच गया 40 माइनस एक्स। तो एक के पास बच गया जॉन के पास एक्स माइनस फाइव और जीवंती के पास 40 माइनस एक्स बच गया है। अब क्या है, बोल दिया है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है ना मार्बल का वो किसके बराबर है, वो 124 के बराबर था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो एक्स माइनस फाइव इंटू 40 माइनस एक्स बराबर क्या था, 124। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, आप सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई कीजिए इसका दोनों से होगा, तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 और माइनस माइनस प्लस 5x इज इक्वल टू 124 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये क्या बन जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और 40x प्लस 5x क्या हो जाएगा, प्लस 45x, इधर माइनस 200 पहले से, इधर भी आके ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 124 क्योंकि प्लस में है। अब ये क्या बन जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x और ये माइनस 200 और माइनस 124 क्या बन जाएगा, माइनस 324 इज इक्वल टू जीरो। अगर पूरे में हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 से सब में मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस वन से, तो माइनस से ये प्लस बन जाएगा, 324 इज इक्वल टू जीरो। ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इसको हमने लिख दिया है। ये लास्ट वाला लाइन तो सबको समझ में आया ना, हमने क्या किया माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, तो माइनस से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये प्लस था तो माइनस बन जाएगा और ये माइनस है तो प्लस बन गया और जीरो आ गया। ये है रिप्रेजेंट करने का तरीका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो फटाफट इसको कॉपी इसको पेस्ट सॉरी इसको स्टॉप करके वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख लीजिए कॉपी में। एक और एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, उसको देखते हैं
कि वो क्या है उसमें, उसको समझते हैं। तो चलिए मैं पहले उसको देखता हूं। तो ये देखिए एनसीईआरटी बुक आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन द डे। मतलब एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो क्या करता है कि कुछ नंबर ऑफ टॉय को वो डेली प्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि वो एक्स नंबर ऑफ टॉयज को प्रोड्यूस करता है। तो हम मान लेते हैं कि लेट द इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस एक्स नंबर ऑफ टॉयज, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि क्या बोला है, कि उसके बाद क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। मतलब एक टॉय का कॉस्ट क्या हो गया, जितना टॉय बना उसमें से 55 कम, माने एक्स माइनस 55। तो हम कैसे लिखेंगे कि सो कॉस्ट ऑफ वन टॉय इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 55, क्योंकि बोला है कि उससे 55 कम पे, उस पे बोला है क्या 55, सॉरी 55 माइनस एक्स, देखिए फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ ट्वाइस। तो हम कैसे लिखेंगे, ये नहीं लिख के क्या लिखेंगे, 55 माइनस एक्स, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, ऑन ए पार्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750, किसी खास दिन जो टोटल कॉस्ट था प्रोडक्शन का वो 750 रुपीज था। तो इसका मतलब क्या है, टोटल कॉस्ट मतलब कैसे, जब एक खिलौना का जितना दाम और टोटल खिलौना जितना बना है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो टोटल कॉस्ट क्या बोल रहा है, 750 रुपीज, मतलब टोटल नंबर ऑफ टॉयज इंटू कॉस्ट ऑफ वन टॉय, है ना। जैसे कोई एक चीज, मेरे पास ये डस्टर है, ये डस्टर मान लीजिए 20 रुपए का है, और मैं आपको बोलूं कि 10 डस्टर का कॉस्ट क्या होगा, तो 10 × 20 कर देंगे। उसी तरीके से एक्स नंबर ऑफ टॉय बना है और एक टॉय का इतना रेट है, तो मल्टीप्लाई कर दिए, जो किसके बराबर है, 750 के बराबर है। तो 750 के बराबर हो गया। अब इसको हम बस सॉल्व कर देंगे, एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, 55x, और ये मल्टीप्लाई होके माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। अब हम इसको क्या करेंगे कि हम चाहें तो सबको उस तरफ ले जाएं या इधर लाके माइनस, तो हम क्या करेंगे, सबको उस तरफ ले जाएंगे। क्यों, क्योंकि मैं इसको प्लस में करना चाहता हूं। हम माइनस से भी मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इधर सब जीरो रह जाएगा, ये इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस में एक्स स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो -55x, और इधर प्लस में तो 750 है ही। अब जीरो इधर है तो इधर भी लिख सकते हैं, मतलब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर -55x +750। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इस प्रॉब्लम जो क्वेश्चन था उसको हमने क्या कर दिया, मैथमेटिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया हूं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप समझ रहे होंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 आते हैं एनसीईआरटी पे, उसमें पहचानने के लिए बोला कि पहचान के बताइए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो चलिए उसको देखते हैं। तो चलिए ये एनसीईआरटी के क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 2 है। ये क्या करने के लिए बोल रहा है, बोल रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां तो पावर में है ऐसे, तो इसको हम सॉल्व कर देंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 -2ab, -2 × a, 2x × 2, तो 2 × 2 = 4, तो ये क्या लिख देंगे हम, 4x, है ना, एक्स स्क्वायर +4 -4x, ये +1 तो पहले से है इधर, इज इक्वल टू 2x -3 पहले से है इधर। तो हम क्या करेंगे, सब कुछ इधर लेके आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर 4 + 1 -4x, और 4 + 1 +5, इधर से आ जाएगा तो -2x हो जाएगा, ये माइनस में तो आके +3 हो जाएगा, इधर जीरो रह जाएगा। एक्स स्क्वायर -4x -2x को हम क्या लिख सकते हैं, -4x और -2x -3
सिक्स एक्स और 5 + 3 क्या हो जाएगा, +8 इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं कि आ गया इस फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, मतलब ये क्या है, यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आप चाहे तो वीडियो पॉज करके लिख लो, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखते हैं दूसरे वाले एग्जाम्पल को, इसी का एनसीईआरटी का ही दूसरा नंबर का एग्जाम्पल है, तो इसको देखो सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स, क्योंकि एक्स इंटू वन एक्स ही हो जाएगा, प्लस एट इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया। तो एक फॉर्मूला पढ़े थे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये चीज आप पढ़ चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, उसी फॉर्म में लिख देंगे, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर, तो टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, फोर हो जाएगा। तो अब देखिए कि अब हम इसको सब कुछ को इधर लेके आएंगे, इधर प्लस में तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस में तो इधर आके प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर प्लस में ये माइनस में कैंसिल, ये क्या बच गया एक्स, और एट प्लस फोर क्या हो जाएगा ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो। तो यहां आप क्या देख रहे हैं कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में ये नहीं है, ये नहीं ना इस फॉर्म में, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है। तो ये क्या है, ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो चाहे वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, आते हैं दूसरे वाले एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल नंबर टू का थर्ड नंबर क्वेश्चन इस तरीके से, एक्स इंटू टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, हरवड़ी में देखते हैं कि यहां भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहां भी एक्स स्क्वायर, तो ये नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व कर लिया कीजिए, देख के नहीं कोई भी अंदाजा लगाएंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, और एक्स से थ्री में तो ये थ्री एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। बहुत लोग डायरेक्ट भी ऐसे काट लेते हैं कभी कभी, अगर कटने वाला हो तो वो भी कर सकते हैं, नहीं तो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इधर अगर हम लेके आए तो, इधर लेके आए तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में है, तो इधर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो टू एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर चला जाएगा तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस वन। तो ये इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके लिखना चाहे तो लिख लीजिए। और ये लास्ट क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर टू का लास्ट क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं कि उसमें क्या है। तो ये एग्जाम्पल नंबर टू का क्वेश्चन नंबर फोर है, x प्लस टू का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर। तो इसको एक्स क्यूब देख के घबरा मत जाइए कि एक्स क्यूब है, तो ये नहीं है, इसको सॉल्व करके देखना है। तो इसको a प्लस बी का होल क्यूब पे ब्रेक कीजिए, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला याद है ना सबको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस क्या होता है थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, है ना, ये वाला तो सबको याद होगा। तो नहीं याद है तो तुरंत पहले कॉपी पर इसको लिख लीजिए, इसी पर हम इसको ब्रेक करने वाले हैं। ठीक है, इसी पर चलो हम ब्रेक करते हैं। x प्लस टू के होल क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, a का क्यूब माने x क्यूब प्लस b का क्यूब माने 2 का क्यूब, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 प्लस 3 ए स्क्वायर बी, तो 3 इंटू एक्स एक स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 3 एक्स स्क्वायर इंटू 2 क्या होगा 6 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 3 इंटू ए का स्क्वायर तो माने एक्स का स्क्वायर, तो 3 एक्स स्क्वायर इंटू बी माने 2 तो 6 एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 इंटू ए बी का स्क्वायर, तो 3 इंटू ए 3 इंटू एक्स तो 3 एक्स हो जाएगा और बी का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 3 एक्स इंटू 4 क्या हो जाएगा 12 एक्स हो जाएगा, और हो गया इतना एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स इज इक्वल टू इधर क्या है एक्स क्यूब माइनस 4 है। जैसे करते थे एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स, सबको इधर ले आइए, माइनस एक्स क्यूब माइनस है तो ये इधर आके प्लस 4 बन जाएगा, प्लस में एक्स क्यूब माइनस में एक्स क्यूब कैंसिल। अब हम स्टैंडर्ड लिखेंगे, 6 एक्स स्क्वायर को आगे लिख लेंगे प्लस 12 एक्स, उसके बाद 8 प्लस 4 क्या होता है 12 होता है इज इक्वल टू 0। अब ये देखो ये आ चुका है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में आ चुका है, मतलब क्या है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लिख देंगे सो द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरीके से अगर ये
आप देख चुके हैं अच्छे से पूरे वीडियो को, तो निश्चित ही एक्सरसाइज 4.1 का हर क्वेश्चन बन जाएगा। तो जाइए एनसीईआरटी बुक उठाइए और एक्सरसाइज 4.1 बनाना शुरू कीजिए, और जैसे ही बन जाए कमेंट बॉक्स में मुझे तुरंत बताइए कि हाँ सर आई हैव कंप्लीटेड। और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, दिक्कत आ जाए, तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर एक्सरसाइज 4.1 का कौन सा क्वेश्चन नहीं बना, आप मुझे बताइए, मैं कोशिश करूंगा उसका सॉल्यूशन आप तक प्रोवाइड कर दूं। ठीक है, तो अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए बाकी दोस्तों में, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से कुछ सीख पा रहे हैं, सीख रहे हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं सीरीज में लाता रहूंगा मैं इसके एक्सरसाइज को। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए दोस्तों को, और बता दीजिए कि इस पे आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। थैंक यू।